वीके न्यूज राष्ट्र के नाम। जब पृथ्वीराज चौहान अश्वत्थामा इनके घर दूध पी के गए थे। अच्छा, अश्वत्थामा दूध पी के गए थे, क्या कहानी है जरा बताइए दर्शकों को। काफी समय हो गया जी, हमारी दादी माँ के यहाँ वो रजाई लेने आए थे। हाँ। उन्होंने रजाई दे दी, दूध पी के गए और फिर बतेरे ही ढूंढ लिए, दिखे नहीं, कम से कम 8 फुट लंबाई ही उनके। हाँ। और जख्म था माथे में। हाँ। बहुत लोगों को मिले हैं वो वहाँ पर। अच्छा, कहाँ के रहने वाले आप? मैं हसनापुर के पूर्व साइड में रह रहा हूँ। अच्छा, तो वहाँ अश्वत्थामा जी आए थे? अश्वत्थामा वहीं रहते हैं। अच्छा, बहुत लोगों को मिले हैं। हाँ। अच्छा, तो क्या दूध पिया उन्होंने और चले गए? हाँ, जाड़े का समय था। हाँ। गुदड़ी लेने के लिए आए। हाँ। अच्छा, और क्या कुछ अनुभव बता सकते हैं आप उनके बारे में? क्या कई लोगों ने देखा है वहाँ? हाँ, कई लोगों ने, 500 लोगों ने उन्हें देखा है। अच्छा, बार बार, एक साथ नहीं। हाँ, हाँ। अलग अलग। अच्छा, ये बताइए, चुनावी माहौल भी है, आप बुजुर्ग है, किसका माहौल चल रहा है इधर उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में तो योगी जी की सरकार ही आएगी। योगी जी की? हाँ। लेकिन वो अखिलेश और वो जयंत चौधरी वगैरह सब मिल गए, वो कह रहे खत्म, सब खत्म, कुछ नहीं होना है। बहुत महंगाई बढ़ गई, पेट्रोल का दाम 100 रुपए। कुछ नहीं, जेल में जाएंगे सब, सब घोटालेबाज हैं, सब घोटालेबाज, नंबर दो के हैं, नंबर दो के। लेकिन वो कह रहे अब अगली बार तो हम ही आ रहे हैं। मैं न्यू ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी, जो भारतीय कांग्रेस पार्टी है, उसका जनरल सेक्रेटरी हूँ। अच्छा, और आप योगी को सब सपोर्ट करते हैं? हाँ। फिर कांग्रेस पार्टी का क्या होगा? कांग्रेस पार्टी तो जहन्नुम पहुँच गई। प्रियंका गांधी जी तो मैदान में उतरी है। वो तो सब परिवार मोतीलाल नेहरू का लुटेरा परिवार है। हाँ। फिर कांग्रेस छोड़ दी आपने? अभी है? नहीं है, मौजूद है। कविता सोनिया गांधी के लिए स्पेशल। अरे अरे, वाह वाह वाह, बताएं बताएं बताएं। आप गुंडे, बहुत गुंडे। नहीं नहीं नहीं, हाँ बताएं बताएं। नहीं, जरूर बोल दे। नहीं, अरे आनंद आ जाएगा। नहीं, राजनीति में बुरा होता है। बोल दीजिए, बोल दीजिए, बोल दीजिए। कवि है ना, बोल दीजिए। कवि देखे, कवि को ना मन की बात मन में नहीं रखनी चाहिए, बतानी चाहिए, जागरूक करना पड़ता। बताए, लोगों को जागृत करे कविता से अपने। राजनीति षड्यंत्र है। अगर राजनेता नैतिक नहीं है तो बेकार है। नेता सुभाष चंद्र बोस के बाद ही नेता बने, भ्रष्ट नेता बन गए। हाँ, तो मोदी जी एक अवतार आदमी है। हाँ, तो सुनाए कविता, भारतीय संस्कृति के लिए कविता सुनाइए। आपका अंगूठी का रहस्य क्या है? ओ, इनकी कविता राहुल पर है। राहुल पर है, बताएं। वो बोलते हैं, आप गुंडे, बाप गुंडे थी गुंडी घर में दादी, ये गुंडे आज के नहीं, ये गुंडे बुनियादी। इनकी कविता है। बोलिए बोलिए। नहीं, मैं नहीं बोल सकता। नहीं नहीं, राजनीति का। अरे, इस खानदान ने कितने आदमियों को हटा दिया रास्ते से भैया, तुम्हें पता? बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं आप। क्या बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं आप? क्या बोल रहे हैं? कि कई लोगों को हटा दिया रास्ते, इतने हजारों आदमियों को हटा दिया। हाँ, तो कविता नहीं सुना रहे? लेकिन आप कविता नहीं सुना? नहीं सुनाएंगे। चलिए, आप बताइए, आप ही सुना दीजिए। ओ, वही है जो बता दिया। सुनाइए सुनाइए, आप सुनाइए। हाँ, वो इनकी कविता है। आप सुनाइए। वो कहते हैं राहुल को, आप गुंडे, बाप गुंडे थी गुंडी घर में दादी, ये गुंडे आज के नहीं, ये गुंडे बुनियादी। अच्छा, इनकी कविता है। अच्छा, और सोनिया जी पे? ये वो मैं भूल गया हूँ। अच्छा, वो भूल गया। आपका शुभ नाम? ठाकुर सूर्य प्रताप सिंह। अच्छा, ठाकुर यहीं से आप? अरे, मैं महाराष्ट्र का। अच्छा, आप महाराष्ट्र से हैं? हाँ, हाँ। तो यहाँ कैसे? अभी 3-4 महीने से मैं यहीं पे हूँ। अच्छा, मन लग गया यहीं? हाँ हाँ, वृंदावन में मैं हमेशा ही आते रहता हूँ। अच्छा, मैं कृष्ण वंशज भी हूँ। अरे वाह, बहुत बढ़िया। रुक्मिणी जी के 10 पुत्र थे ना। हाँ, हाँ। उसमें दूसरे का नाम था चारुदेशना, तो मैं चारुदेशना का वंशज हूँ। क्या बात है, तो मेरा हमेशा ही आना जाना होता है। अच्छा, तो रुक्मिणी जी के वंशज इसलिए इधर आ जाते हैं आप, कान्हा जी से मिलने? हाँ, रुक्मिणी जी का गांव भी वहीं पर है, नागपुर के पास में, कौंडलपुर। तो हमेशा ही आते जाते रहते हैं। ठीक है, धन्यवाद जी, धन्यवाद। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल, वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।